your English class. Today I am going to explain your rest of the part 2. Okay? Chapter 7, The Indomitable Sudha Murthy. As you know about the Sudha Murthy, मैंने आपको part 1 में सुधा मूर्ति के बारे में कुछ बताया था. अब मैं उसके आगे का explain करने जा रही हूँ. Okay? Page number 101. I posted the letter and forgot about it. मैंने letter को post किया और फिर उसके बारे में मैं भूल गई. Okay. Less than 10 days later, I received a telegram. मुझे 10 दिन बाद क्या मिलता है? एक telegram मिलता है. Stating that I had to appear for an interview at Telco Pune facility at the company's expense. और उस letter में क्या लिखा रहता है? Telegram में क्या लिखा रहता है? कि उन्हें इंटरव्यू के लिए टेलको कंपनी ने अपने खर्चे पर बुलाया है. कहाँ बुलाया है? पुणे. ओके. एज सॉरी आई वाज टेकन अबैक बाय द टेलीग्राम. मैंने जैसे ही टेलीग्राम को देखा और पढ़ा, मैं बहुत सरप्राइज्ड हो गई. टेकन अबैक मींस सरप्राइज्ड हो गई. एज डायरेक्टेड आई वेंट टू अ टेलको पिंपरी ऑफिस फॉर द इंटरव्यू. और उसके बाद मैं पिंपरी ऑफिस इंटरव्यू के लिए गई. There were 6 people on the panel. वहां पर मैंने देखा, आई हैव सीन देयर आर 6 people. मतलब एक पैनल में 6 people थे. एंड आई रियलाइज दैट इज वॉज सीरियस बिजनेस. तब मुझे रियलाइज हुआ कि अरे ये तो कोई सीरियस बिजनेस है ना. दिस इज द गर्ल हु रोड टू जे आर जी. आई हर्ड समबडी विस्पर एज सून एज आई एंटर द रूम. जैसे ही मैंने रूम में एंटर किया, मैंने किसी को विस्पर करते हुए सुना, फुसफुसाते हुए सुना कि यही वो लड़की है जिसने लेटर लिखा था. बाय देन आई न्यू फॉर श्योर. उसके बाद तो मुझे पक्का पता पड़ गया दैट आई वुड नॉट गेट द जॉब. मुझे जॉब नहीं मिलेगा. दे रिकॉग्नाइज मी. ये लोग मुझे जान गए हैं. द रियलाइजेशन एब्रॉइस्ड ऑल फियर्स फॉर माई माइंड. उसके बाद मेरे जो दिमाग में जो डर था ना, वो सब भाग गया. सो आई वॉज रैदर कूल. मैं थोड़ा शांत हो गई. व्हाइल द इंटरव्यू वॉज बींग कंडक्टेड. जब इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा था, आई वॉज कूल. इवन बिफोर द इंटरव्यू स्टार्टेड आई रिकॉग्नाइज्ड द पैनल वॉज ब्लास्ट. सो आई टोल्ड देम रैदर इम्पोलाइटली. जैसे इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, मैंने ब्लास्ट मीन्स भेदभाव, भेदभाव के बारे में वही सोचा कि अरे अब तो मेरे साथ भेदभाव होना ही है ना. और मैंने उनसे बहुत ही इम्पोलाइटली वे में बात करी. आई होप दिस इज ओनली अ टेक्निकल इंटरव्यू. और उन्होंने कहा, हाँ मुझे पता है, मैं आशा करती हूँ ये तो टेक्निकल इंटरव्यू है. दे वर टेकन अ बैक माई रूडनेस. ओके. एंड इवन टूडे आई एम अशैम्ड अबाउट माई एटीट्यूड. आज मुझे वो अपना रूडनेस याद आता है. जिस तरीके की मैंने उनसे बात करी थी इम्पोलाइट वे में, तो आज मुझे अपने ऊपर बहुत शर्म आती है. द पैनल आस्क्ड मी टेक्निकल क्वेश्चन. पैनल ने मुझसे क्वेश्चन किए, लेकिन दे ऑल क्वेश्चन दे डिपेंड ऑन टेक्निकल. ओके. टेक्निकल से जुड़े हुए क्वेश्चन को किया. आई आंसर्ड ऑल ऑफ देम. मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर दिए. देन एन एल्डरली जेंटलमैन विद एन अफेक्शनेट वॉइस टोल्ड मी. उसके बाद वहाँ पर जो एल्डरी जेंटलमैन थे, सबसे बुजुर्ग थे, उन्होंने बहुत ही प्यार भरे शब्दों में मुझसे कहा, डू यू नो वाई वी सेड लेडी कैंडिडेट्स नीड नॉट टू अप्लाई. क्या तुम्हें पता है हमने वहाँ ऐसा क्यों लिखा था कि लेडी कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकती? द रीजन इज दैट वी हैव नेवर एम्प्लॉयड एनी लेडीज ऑन द शॉप फ्लोर. हमने ऐसा इसलिए लिखा था कि हमने आज तक किसी भी लेडी को शॉप फ्लोर पे काम पर नहीं रखा. कोई भी लेडी को कभी भी हमने सेलेक्ट नहीं किया. इट मीन्स कभी लेके ही नहीं आए. दिस इज नॉट अ कोएड कॉलेज. उन्होंने बताया कि ये कोई कोएड कॉलेज नहीं है जहाँ पर बॉयज एंड गर्ल्स वो साथ में स्टडी करें, है ना. दिस इज अ फैक्ट्री. ये एक फैक्ट्री है. When it comes to academic, you are the first ranker throughout. हाँ, अगर academic की बात करते हो तो आप first ranker holder हो. Okay? We appreciate them. हम आपको appreciate करते हैं. But people like you should work in research laboratories. और आप जैसे होनहार बच्चों को तो किसी laboratories में किसी चीज़ के ऊपर search करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए. आई वॉज अ यंग गर्ल फ्रॉम स्मॉल टाउन हुबली. और मैं एक स्मॉल टाउन हुबली की लड़की थी. माई वर्ल्ड हैड बीन अ लिमिटेड प्लेस.
मेरा जो दुनिया थी वो एक लिमिटेड ही थी, है ना. आई डिड नॉट नो द वेज ऑफ लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस एंड देयर डिफिकल्टीज, सो आई आंसर. मैं नहीं जानती थी कि बड़ी बड़ी चीज़ें क्या होती हैं, बड़ी दुनिया क्या होती है, तो फिर मैंने आंसर दिया, बट यू मस्ट स्टार्ट समवेयर, मैंने उनको बोला, अदरवाइज नो वुमेन विल एवर बी एबल टू वर्क इन यार फैक्ट्री. हाँ, मैं जानती हूँ आपने अभी तक किसी को शॉप फ्लोर पे काम पर नहीं रखा एंड यू डोंट वॉन्ट टू अपॉइंटेड, ओके, बट नाउ अब आप शुरू कीजिए, यू मस्ट हैव टू स्टार्ट. अगर आप अभी भी लेडीज को शॉप फ्लोर पर काम के लिए अपॉइंट नहीं करेंगे तो कब करेंगे? एक ना एक दिन तो आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा, है ना. तो आप उसे शुरू कीजिए, तभी तो कोई लेडी यहाँ आके काम कर सकेगी. फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग इंटरव्यू, बहुत लंबा इंटरव्यू चला था, ओके, आई वॉज टोल्ड आई हैड बीन सक्सेसफुल. उसके बाद मुझे बताया गया कि आप सक्सेसफुल हो, मतलब आप अपॉइंट हो चुकी हो. आई कंसिडर JRD अ ग्रेट मैन बिकॉज डिस्पाइट बींग एन एक्सट्रीमली बिजी पर्सन ही वैल्यूड वन पोस्ट कार्ड रिटन बाई अ यंग गर्ल सीकिंग जस्टिस. मैं JRD टाटा को थैंकफुल मानती हूँ क्योंकि वो इतने बिजी बंदे थे, इतने बिजी इंसान थे, उसके बावजूद भी उन्होंने एक पुअर लड़की के पोस्ट कार्ड को पढ़ा और उसको पढ़कर उसको जस्टिस दिलाने की कोशिश करी, है ना. ही मस्ट हैव रिसीव थाउजेंड ऑफ लेटर्स एवरी डे. मुझे लगता है उनके पास रोज हजारों लेटर्स आते होंगे. ही कुड हैव थ्रोन माइन अवे, वो मेरा लेटर फेंक सकते थे, है ना. बट ही डिड नॉट डू दैट, उन्होंने नहीं फेंका, उन्होंने ऐसा नहीं किया. ही रिस्पेक्टेड द इंटेंशंस ऑफ दैट अननोन गर्ल. मेरे ऐसे अनजान लड़की के जो इंटेंशन था, इरादा था, उसकी उन्होंने रिस्पेक्ट करी. हु हैड नीदर इन्फ्लुएंस नॉर मनी, है ना. उन्होंने मतलब उन्होंने ये देखा कि ना तो इसके पास कोई सिफारिश है और ना ही इसके पास कोई पैसा. एंड गेव हर एन अपॉर्चुनिटी इन हिज कंपनी, और उसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी में एक अपॉर्चुनिटी उसे दे दी. ही डिड नॉट मैरी गिव हर अ जॉब, उन्होंने उन्हें जॉब ही नहीं दिया, बल्कि ही चेंज हर लाइफ एंड माइंड सेट फॉर एवर. उन्होंने उनका दिमाग और उनकी जिंदगी ही हमेशा के लिए चेंज कर दी. ये थी सुधा मूर्ति. ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट सुधा मूर्ति, क्या थी सुधा मूर्ति. दैट्स ऑल, दैट्स इनफ टुडे. आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. थैंक यू, टेक केयर एंड बाय.